हजरात कव्वाली के शौकीन के लिए एक हसीन तोहफा दीनी कैसेट चिनार की जानिब से पेश किया जा रहा है। समाज फरमाए का सुनाता हूँ मैं तुमको वाकया रोजा खुशाई का, सुनाता हूँ मैं तुमको वाकया रोजा खुशाई का, सुनाता हूँ मैं तुमको वाकया रोजा खुशाई का। खुदा के फजल का प्यारे नबी की मुस्तफाई का, खुदा के फजल का प्यारे नबी की सफाई का, सुनाता हूँ मैं तुमको वाक़े रोज़ा खुशाई का, सुनाता हूँ मैं तुमको वाक़े रोज़ा खुशाई का, सुनाता हूँ मैं तुमको वाक़े रोज़ा खुशाई का। अरब के मुल्क में रहता था एक हीरों का सौदागर, गुजर औकात उसके खानदान की थी तिजारत पर, बड़ी शोहरत थी उसकी और बड़ा ईमान वाला था। अरब के मुल्क में उसका बड़ा ही बोल बाला था, बहुत मशहूर था वो शख्स अपनी दीनदारी में, गरीबों की हमेशा रहता था वो पासदारी में, यमन बगदाद बसरा मिस्र और ईरान जाता था, वहां से बेच कर सामान अपने घर को आता था। खुदाए पाक ने बख्शी थी उसको चांद सी बेटी, वो थी 10 साल की, रोजे महे रमजा के रखती थी, वो रमजा के महीने में हमेशा घर पे रहता था, बड़े ही धूम से रोजा कुशाई उसकी करता था, शहर के बच्चे आते थे सभी रोजा कुशाई में, वो रोजा खोल कर करते दुआ उसकी भलाई में। वो लड़की कौन थी, क्या नाम था, तुमको बताता हूँ, करो ईमान ताजा दास्तां तुमको सुनाता हूँ। शगुफ्ता नाम था उसका, बड़ी ही भोली भाली थी, था चेहरा फूल जैसा वो, बड़ी अल्लाह वाली थी, नमाजे पंज गाना साथ में वो माँ के पढ़ती थी, तिलावती भी कला में की कसरत से करती थी, बड़ी मासूम थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी, सभी खुशी खान दावा लेते वो घर का उजाला थी, खुदा का खौफ महशर का हमेशा ध्यान रखती थी, रसूल अल्लाह की सुन पे वो ईमान रखती थी, किया अब के बरस कुछ और ज्यादा एहतिमाम उसने, के हर बच्चे की ईदी का किया था इंतजाम उसने, हुआ चारों तरफ ऐलान सौदागर की जानिब से, सभी आए हमारे घर जो रोजादार हैं बच्चे, खबर चारों तरफ फैली ये बच्चे खुशी हुए सारे, बड़े बूढ़े भी मंजर देखने तैयार थे सारे, कराने इंतजाम और खास बातें कुछ बताने
बटाने को गरज तैयारियां सब हो गई रोजा खुशाई की शगुफ्ता से भी कुछ हम जोलियों ने खुश अदाई की ये रोजा चौदवा था शान शौकत भी निराली थी बड़े ही धूम से रोजा खुशाई होने वाली थी अचानक डाकुओं ने हर तरफ से घर को आगे जो उनके सामने आया उसी को कत्ल कर डाला बड़ी दहशत थी बच्चों में बड़ा ही खौफ तारी था मुसीबत का ये उनके वास्ते एक वक्त भारी था गरज बच्चों को अपने साथी में वो ले गए डाकू शगुफ्ता को भी धमका कर डरा कर ले का अंधेरा छा गया सारे मोहल्ले में मुसीबत का अंधेरा छा गया सारे मोहल्ले में मुसीबत का अंधेरा छा गया सारे मोहल्ले में बरसते खून के आंसू थे सौदा और कुर्ब की आती थी सांसों से गरज माँ बाप बच्चों के सभी सदमे से रोते थे वो रोजादार थे अशकों से अपने मुंह को धोते थे हुई बेकार सारी कोशिशें कुछ ना पता पाया रपट थाने में की दरबार शाही में भी वो आया किसी से कुछ ना हासिल हो सका थक हार कर बैठे खुदा पर ही भरोसा करके सब माँ बाप घर बैठे पयाम उन डाकुओं के भी बराबर आते रहते थे तकाजा करके दो दो लाख का दहलाते रहते थे पता लिखते थे डाकू इस पे रुपया लेके आ जाओ तुम अपने अपने बच्चों को छुड़ाकर साथ ले जाओ ये सौदागर ने सोचा अगर शगुफ्ता को मैं लाऊंगा तो इन बच्चों के माँ और बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा मददगार है खुदा तू ही तो है दुनिया में सच्चों का करूं मैं इंतजाम अल्लाह कैसे अपने बच्चों का ही मुश्किल कुशा है ऐ खुदा मुश्किल को हल कर दे खजाने से तू दामन बच्चों के माँ बाप का भर दे मेरी फरियाद बस तुझसे यही है ऐ मेरे मौला दुआओं में मेरी तासीर दे दे ऐ मेरे सभी बच्चों को ऐ मौला मिला माँ बाप से उनके मुझे शर्मिंदा मत कर ऐ खुदा माँ बाप से उनके ये रमजानुल मुबारक तेरी रहमत का महीना है ये रमजानुल मुबारक तेरी बरकत का महीना है करम के अपने दरवाजे तू मुझ पे खोल दे यार करीमी के तू अपने अब गोहर अनमोल दे यार तू ही हम बेकसों का ही मुसीबत में सहारा है तू बंदों का मुहा
ही परवर दिगारा है। शबे कद्र आई सताईस वी रोने लगे बच्चे, गमो रंजो अलम से मुजतरी होने लगे बच्चे। शगुफ्ताने का इस रात सब मांगो दुआ मिलकर, सहर के वक्त सहरी करके सोएंगे फजर पढ़कर। लिखा है आज की शब जो दुआएं मांगी जाती हैं, खुदा के फजल से तासीर वो अपनी दिखाती है। ये सुनकर सारे बच्चों ने दुआ को हाथ फैलाए, दुआओं में सभी की आंख से आंसू निकल आए। अल्लाह से मांगी शगुफ्ताने भी रो रो कर, मेरी फरियाद सुन ले ऐ खुदा ए दावरे महशर। दुआओं को मेरी या रब तू फैले मुस्तफा सुन ले, करीमी का तेरी तुझको है या रब वास्ता सुन ले। रिहाई का सभी बच्चों का कर सामान ए मौला, कर सामान ए मौला, कर सामान ए मौला। हर एक बंदों पे तेरा है बड़ा एहसान ए मौला, बड़ा एहसान ए मौला, तेरा एहसान ए मौला। मिला दे बाप और माँ से खुदाया सारे बच्चों को, करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा दे सारे बच्चों को, करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा दे सारे बच्चों को, करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा दे सारे बच्चों को। के मासूम असगर का खुदाया अकबर का खुदाया वास्ता तुझको, तुझे है वास्ता अल्लाह जहरा के दुलारों का, अली के लाडले प्यारे नबी के जानिसारों का। तुझे है वास्ता करबल के भूखे और प्यासों, सारा सामा चांदी सोने का। यह एक रास्ता या रब रिहा बच्चों के होने का, ये रमजानुल मुबारक का है या रब आखिरी रोजा, खुदाया 30 रोजों का अता कर दे मुझे सदका। सहारा तू ही दुनिया में है या रब बेसहारों का, वसीला दे रही हूँ तुझको मौला 30 पारों का। दुआएं मांग कर और फज्र पढ़कर सो गए बच्चे, सवेरा जब हुआ तो जितने डाकू थे वो आ पहुंचे। नजर सामान पर जिस दम पड़ी तो हो गई हैरत, लगे आपस में डाकू सोचने तो जाग उठी गैरत। समझ में डाकुओं के आ गई अल्लाह की कुदरत, शगुफ्ताने का उठ कर ये है की रहमत। तुम्हें हर बच्चे के 2 लाख लेने थे तो ले जाओ, हमारे बाप माँ के पास हमको जल्द पहुंचाओ। कहा उन डाकुओं ने बेटी हमको माफ कर दो तुम, गोहरी मान के दे करके अब भर दो तुम, मुसलमान हमको कर लो बेटी एहसान फरमाओ।
फजीलत माहे रमजा की हमें भी बेटी बतलाओ। शगुफ्ता ने यही रमजान का तोहफा दिया उनको, पढ़ा कर कलमाए तैयब मुसलमान कर लिया उनको। हर एक बच्चे को कांधे पर उठाकर चल दिए डाकू, सब आकर बाप और माँ से मोहब्बत से मिले डाकू। शगुफ्ता जब मिली माँ बाप से और हाल बतलाया, तो माथा चूम कर माँ बाप ने बेटी से फरमाया, मुबारक हो शगुफ्ता तुमको ये इनाम रोजे का, तुम्हें अल्लाह ने बख्शा है ये इनाम रोजे का। हुआ चारों तरफ ऐलान फिर रोजा खुशाई का, हुई तैयार अफ्तारी था मौका खुशनुमाई का। सभी खुश थे के बच्चे डाकुओं को साथ लाए हैं, करिश्मे भी दुआओं के शगुफ्ता ने दिखाए हैं। मजमा था दस्तरखान पर रखी थी अफ्तारी, बड़े ही प्यार से बाटी गई फिर ईदियां सारी। मुसलमान हो के डाकू थे सभी अफ्तार में शामिल, वो सब थे हो चुके दीने रसूल अल्लाह में शामिल। जब आई सबके कानों में सदा अल्लाह अकबर की, सभी छोटे बड़ों ने साथ में अफ्तार मिलकर की, अफ्तार मिलकर की, अफ्तार मिलकर की। खुदा तौफीक दे रखने की गर्म मुजा के रोजे की, करें आजाद सब रोजा खुशाई अपने बच्चों 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 की, करें आजाद सब रोजा खुशाई अपने बच्चों। बच्चों